वेलकम टू माय चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जब रिंगनेक पैरोट को घर लाते हैं नया नया, तो उनको किस तरह से क्या फीड देना है और कितना क्वांटिटी देना है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और इनका टॉकिंग का क्या सिस्टम है, क्या फीड देना है इस वीडियो में, चलिए मैं आपको बताने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। जो भी लोग इस सीज़न में, सीज़न सबसे पहले इसका जान लेते हैं। सीज़न जो इसका होता है वो गर्मियों का सीज़न होता है, यानी कि जो मार्च का जो सीज़न स्टार्ट होता है इंडिया में, मार्च में ये मिलना स्टार्ट हो जाता है। इंडियन रिंगनेक के नाम से इसको जानते हैं, या इसको जंगली तोता भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये ग्रीन पैरोट के नाम से भी जानते हैं। अब बहुत से लोग इसको किस तरह से बेच देते हैं, कैसे मतलब आपको धोखा में दे के दूसरा चीज़ बोल के दूसरा बर्ड्स बता देते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको इस वीडियो में कवर करते हैं, वो बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फीड जो मैं अभी दे रहा हूँ ये है चने का सत्तू, यानी कि जो छोला बोलते हैं। चने का सत्तू मैंने पहले भी आपको दिखाया है, पहाड़ी को हम फीड देते हैं, पहाड़ी पैरोट को, वैसे ही सेम फीड इसको देना है। और जो दाल पहले पहाड़ी पैरोट को देते थे, दाल या फिर चना डायरेक्ट छोला देते थे, तो उसको ये इसको वो दाल नहीं देना है, चने का दाल नहीं देना है। आप इसको मसूर का दाल दें, मसूर का दाल आप इसको दे सकते हैं। उसको आपको हल्का रात भर भिगने के लिए डाल देना है पानी में, और उसके बाद सुबह को इसको फीड कराना है। फीड कराने का जो टेक्निक है, देखिए इस तरह से आपको एक सिरिंज ले लेना है या फिर चम्मच की मदद से आप इनका फेस को हल्का सा टच करके पकड़ें और इनके मुँह में आप देंगे तो ये बहुत ही हल्का हल्का खाना स्टार्ट कर देते हैं। इनका साइज़ भी बहुत छोटा होता है, हेड भी इनका छोटा होता है, जिसके कारण इनका टॉकिंग जो होता है वो भी कम होता है। पहाड़ी के मुकाबले इनका टॉकिंग हाफ होता है, और इसका प्राइस भी पहाड़ी के मुकाबले हाफ होता है। तो प्राइस के बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसको खिलाने का जो सिस्टम है, आपको आधा चम्मच घोल में दोनों का हो जाएगा, जो दो बर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ आधा चम्मच ही ये खाते हैं, यानी कि एक टाइम में आप इसको अगर 10 ml दे देंगे तो इनका पेट भर जाता है। खिलाने का जो समय है 4 times आपको फीड देना है, सुबह 6 से 8 के बीच एक बार आप चने का सत्तू दे सकते हैं। उसके बाद जो दाल मैंने आपको बताया, दाल या फिर उसका गोटा भी दे सकते हैं, मूंग का या मसूर का, आप इसको रात भर फूलने के लिए डालकर उसको दे सकते हैं। सुबह में 6 से 8, उसके बाद आप 12 से 2 के बीच में दे सकते हैं, शाम को 4 से 6, और रात को सोने से पहले 9 से 10 के बीच में आप इसको खिला दें। और फिर रात भर इसको कुछ नहीं देना है, और पानी एक्स्ट्रा इसको नहीं देना है। जब दाल वगैरह देते हैं उस टाइम हल्का सा 1 चम्मच या आधा स्पून आप इसको वाटर वगैरह दे सकते हैं। देखिए नीचे फूल जाएगा हल्का सा, तो आपको छोड़ देना है। ये पहाड़ी के मुकाबले हाफ़ का भी हाफ़ खाते हैं, यानी कि जो भी लोग पहाड़ी पाल चुके हैं उनको एक्सपीरियंस होगा। उस तरह से आपको फीड जो है ये हाफ़ से हाफ देना है, यानी कि 1 spoon में इनका 4 यानी कि 2 pair का फीड होता है, हाफ स्पून में इनका पूरा हो जाता है ये देखिए। और जब ये हल्का सा फीड भी ले लेते हैं तो इनका पेट जो है पूरी तरीके से फुल हो जाता है, उसके बाद इनको आप फीड देंगे तो ये नहीं करेंगे। 10-10 ml या 5-5 ml आपको देना है, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं देना है। यानी कि जो सिरप का जो ढक्कन आता है 10 ml का, उतना ही आपको आप नाप के दे देना है एक बार में, बस ये इतना ही फीड लेते हैं। और फीड अगर आप बच जाता है तो आपके पास, तो आधे घंटे तक फीड बर्बाद नहीं होता है, यानी कि जो चने का सत्तू है उसको आप बाद में थोड़ा आधे घंटे बाद रिलैक्स दे के करा सकते हैं। ये देखिए नीचे से ये फूल गया है, यानी कि इसका पोटा जो है पूरा तरह से भर गया है। इसी तरह से मैं फीड देता हूँ, इसी तरह से आप फीड दे के अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। खिलाने पिलाने में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, और सिंपल सा फीड है ये देखिए। और एक बार इनका पेट भर जाने के बाद ये फीड नहीं लेते हैं तो आपको फिर छोड़ देना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिंगनेक को किस तरह से आपको फीड कराना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।